तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ये कमाल का प्रोडक्ट जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो बॉक्स के अंदर है। अमेजोन से मैंने इसको ऑर्डर किया था जो कि मेरे पास आ चुका है। इस बॉक्स के अंदर जो प्रोडक्ट है दोस्तों, एक्चुअली तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है, मैंने अपना घर के लिए इसको ऑर्डर किया था, लेकिन आपका बहुत अलग अलग तरीके का ये काम करके देगा एक ही प्रोडक्ट, और इसका प्राइस भी काफी कम है। तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करता हूँ, क्या पता ये आपका भी काम आ सकता है। जो लोग स्टूडेंट है या फिर बाहर रहते हैं जॉब के लिए या फिर पढ़ाई के लिए, उसके लिए ये प्रोडक्ट काफी बढ़िया होने वाला है। तो चलिए इस डब्बे को आज अनबॉक्स करते हैं। उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले आप अमेज़न का बॉक्स देख सकते हो, कहीं पर भी डैमेज नहीं है, मतलब काफी अच्छा पैकेज करके मुझे डिलीवर किया गया है। अब चलो बॉक्स को हम लोग ओपन करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये मेन बॉक्स है और इसके अंदर बिल भी है। मैं आपको नजदीक करके दिखा रहा हूँ, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। 1699 इसका प्राइस है और ये मेन बॉक्स है दोस्तों प्रोडक्ट का, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। नाम भी लिखा है, ब्रांड का नाम है एगारो, मल्टी कुक केटल विथ स्ट्रीमर है, और बॉक्स में भाई यहाँ पर लिखा भी है 2 ईयर का वारंटी, 2 साल का वारंटी दे रहा है कंपनी। और यहाँ पर आप देख सकते हो 1.2 लीटर का कैपेसिटी है, और इसका जो मॉडल है ना वो रेगेंसी वाला मॉडल है। तो बॉक्स भाई कहीं से भी डैमेज नहीं था, काफी अच्छा पैकेजिंग के साथ मुझे डिलीवर किया गया है। अब चलो बॉक्स को हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो निकल जा, यहाँ पर एक यूजर मैनुअल दिया है। उसके बाद दोस्तों ये प्रोडक्ट आप देख सकते हो, ये ढक्कन है और अंदर और एक वारंटी कार्ड था, और उसके बाद यहाँ पर एक होल्डर टाइप का दिया गया है, और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो प्लास्टिक का एक छोटा बकेट टाइप का है, और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों ये स्ट्रीम करने के लिए एक्चुअली, और उसके बाद जो बेस होता है केटल का वो आप देख सकते हो, ये पावर केबल है और ये बेस है, और यहाँ पर वो लगेगा जैसे कि आप देख सकते हो। और उसके बाद और एक प्रोडक्ट यहाँ पर है, और इसको मैं बाहर निकाल के दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले बाकी का जो प्रोडक्ट है वो देख लेते हैं, जो कि आप देख सकते हो ये प्लास्टिक का बना हुआ है स्ट्रीम करने के लिए अंडा। और सबसे लास्ट में जो प्रोडक्ट है वो भाई ये केटल, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो बॉक्स के अंदर ये टोटल 7 प्रोडक्ट आपको मिलता है, और चलिए मैं सबको एक एक करके रेपर से निकाल लेता हूँ। तो जैसे कि आप ये ढक्कन देख सकते हो, और ये ट्रांसपेरेंट टाइप का है, ग्लास का बना हुआ है बट अच्छा क्वालिटी का है, और इसमें आपको स्टील मिल जाता है, डिजाइन काफी बढ़िया है, और इसको जो पकड़ने का जो हैंडल है ना वो भी काफी अच्छा है, जिसको आप बॉयल करने के टाइम अच्छे से कैरी कर सकते हो। तो अच्छा क्वालिटी का यहाँ पर ढक्कन दिया गया है, और उसके बाद ये तो बेस आपको दिखाया प्लास्टिक का बना हुआ है बट बढ़िया क्वालिटी का है, मेट फिनिशिंग के साथ आता है, फिंगरप्रिंट का निशान वगैरह नहीं भर रहा है, और पीछे के साइड कुछ इस तरीके का है, और यहाँ पर आप देख सकते हो स्टिकर है, बाकी पावर केबल तो काफी बढ़िया क्वालिटी का यहाँ पर दिया गया है। और उसके बाद ये तो बकेट मैंने आपको दिखाया प्लास्टिक का है बट बढ़िया क्वालिटी का, और डिजाइन काफी अच्छा लग रहा है। और इसके साथ और एक चीज दिया है जो कि आप देख सकते हो, ये स्ट्रीम करने के लिए ही है, और ये कुछ काम में आता है, जो लोग खाना बनाता है उसको तो पता ही है क्या है। बाकी ये प्रोडक्ट तो मैंने आपको दिखाया अंडा उबालने के लिए है, और यहाँ पर टोटल 6 अंडा आप रख के एक साथ उबाल सकते हो, और ये जो हैंडल दिया है ना इसको भाई कुछ इस तरीके से लगा देना है, ये कुछ इस तरीके से सेट हो जाता है, और ये जब अंडा उबल जाएगा ना कुछ इस तरीके से कैरी करने के लिए, उठाने के लिए हाथ ना जल जाए, तो उसलिए ये दिया गया है, काफी अच्छा है। और ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों इसको तो आपको पता ही है, ये स्ट्रीम करने के लिए उबालने के लिए है, बढ़िया क्वालिटी का है, स्टील का बना हुआ है, छोटा छोटा यहाँ पर पकड़ने के लिए भी दिया है, क्वालिटी काफी बढ़िया है उसका। और सबसे लास्ट जो केटल दिया गया है उसके बात कर लेते हैं, निकाल लेते हैं बाहर। ये आप देख सकते हो डिजाइन काफी मतलब प्रीमियम क्वालिटी का यहाँ पर आप देख पा रहे हो, बाहर जो है प्लास्टिक का बना हुआ है बट हल्का हल्का ग्रीप है, पकड़ने में भी अच्छा लग रहा है, और मेट फिनिशिंग के साथ है, एगारो का ब्रांडिंग भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो एक स्विच है, और टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर 2 लेवल दिया गया है जहां से आप टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हो, और इसका अंदर जो है ये पूरा स्टील का बना हुआ है जैसे कि देख सकते हो, बढ़िया क्वालिटी का है भाई। और इसके अंदर दोस्तों आप पानी भी उबाल सकते हो, और कुछ बनाना है मतलब नूडल्स वगैरह या फिर कुछ भजिया टाइप का करना है तो वो भी आप कर सकते हो, या फिर जैसे कि मैंने आपको बताया अंडा भी उबाल सकते हो। ये वाला जो मेन पावर के लिए है ना इसको रख देना है कुछ इस तरीके से, और इसको आपको पावर देना है जस्ट, और ये उबलना स्टार्ट हो जाएगा, और ये अच्छा क्वालिटी का है जैसे कि देख सकते हो, आप जिधर चाहो मन चाहो इसको घुमा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं देगा। और अगर आप सोच रहे हो इसके अंदर कुछ आपको स्ट्रीम करना है तो इसके अंदर आपको देना है सिंपल सा, इसके ऊपर आपको कुछ इस तरीके से रख देना है, उसके बाद जो ये ढक्कन आप देख पा रहे हो उसको भाई कुछ इस तरीके से रख देना है, और ये स्ट्रीम होना स्टार्ट हो जाएगा जैसे आप पावर दोगे। तो प्राइस के अकॉर्डिंग ये वाला मल्टी कुकर मुझे काफी बढ़िया लगा दोस्तों, मैंने घर के लिए ऑर्डर किया था बट मुझे सच में काफी बढ़िया लगा, तो मैंने आपसे भी शेयर कर दिया। जो लोग बाहर रहता है, स्टूडेंट है, पढ़ाई के लिए बाहर रहना पड़ता है, उसके लिए ये प्रोडक्ट काफी बढ़िया मुझे लगता है होने वाला है। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हो। लेकिन आपको ये मल्टी कुकर कैसा लगा फीडबैक कॉमेंट बॉक्स में देके जाना, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ऐसे ही टेक और गैजेट्स टाइप का वीडियो आपको आगे भी मिलता रहेगा।